जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चाचा देना चाचा इसके क्या चाय बनाते थे? चाचा जी की बात अलग थी भैया, वो तो अंग्रेजों के घरों में चाय बनाते थे। है? कौन अंग्रेजों के घर पे चाय बनाता था भाई? इस नौंडे के चाचा जी बनाते थे। अच्छा, वो सल्लू चाचा की बात हो रही है क्या? अरे सल्लू चाचा की तो चाय की बात ही अलग थी भाई। लेकिन ये लौंडा तो मेंटेन ही नहीं कर पाया। मेंटेन करने के लिए ना पैसों की जरूरत होती भैया, पैसों की। तिवारी जी, लौंडे को जरूरत है पैसों की, दे दीजिए इसको 30-35 हजार रुपए। और विभूति सेठ, दरअसल बात ये है कि कुछ डकारू ऐसे हैं जो अपने नौकर की तनख्वाह डकारे बैठे हैं। ले, क्या बकवास कर रहे सबके सामने तू? अरे भैया, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाने जा रहा हूँ। क्या इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाने जा रहे हैं आप? न्यूज ये भैया कि आज मैंने अपने पागलपन के 25 साल पूरे कर लिए हैं और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे इस पागलपन की वजह से आप लोगों के नाक, कान और यहाँ वहाँ से बहुत सारा धुआं निकला है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपने हम सबके धुएं काट रखे हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि मेरे इस पागलपन की वजह से कभी कभार आप लोगों का बहुत 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 बड़ा फायदा भी हुआ है। फायदे का तो पता नहीं। खैर, आप ये बताइए कि आप अपने पागलपन की जो सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं उसमें कोई मुजरा उजरा कराने का इरादा है? आई डोंट लाइक मुजरा। एक्चुअली बात यह है कि अपने पागलपन के 25 साल पूरे होने की खुशी में मैं एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही शानदार, एक ग्रैंड पार्टी देने जा रहा हूँ भैया। पार्टी? जिसमें के उस पार्टी में कुछ ऐसी शराबें परोसूंगा मैं आप लोगों के सामने जो आपके बाप लोगों ने भी कभी नहीं पी होगी। आई लाइक इट। किसी के बाप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बाप ने दुनिया की कोई ऐसी शराब नहीं है जो ना पी हो। उसे तो हाथ भट्टी वाली कच्ची भी बहुत ढकेली है जी। आपको देखकर लगता है कि आप हाथ भट्टी की औलाद हैं। आई लाइक इट। सक्सेना के बच्चे, मैं तेरे गुर्दे निचोड़ दूंगा, समझा तू? अरे भैया, मेरे गुर्दे बाद में निचोड़िएगा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे तो बकी है ना। ऐसा भैया कि आज रात को आप सब लोग कब्रिस्तान में आइए। पार्टी देने वाले थे कब्रिस्तान में, खाए बुला रहे हैं? ऐसा है भैया कि पार्टी कब्रिस्तान में ही है। Excuse me, are you out of your mind? भैया, I am already out of my mind. Shut up. विकास बंद कीजिए। और ये बताइए कि आप पार्टी कब्रिस्तान में क्यों दे रहे हैं? भैया, पार्टी किसकी है? अरे आपकी है भैया, आप ही दोगे, बताओ तो सही। तो तुम लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक पागल आदमी किसी अजीबो गरीब जगह पे ही अपनी पार्टी देगा ना? अरे भाड़ में गई आपकी पार्टी। भाई, हम ऐसी पार्टी नहीं कर पाएंगे जहां पर कब्रों के बीच में बैठ के भोजन करना पड़े। तिवारी सही कह रहे हैं। मतलब तिवारी जी, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं और आप बैठ कर टिका रहे हैं और पीछे से कब्र खुलती है, उसमें से आदमी निकलता है और पीछे से आता है, आपके कान में बोलता है, सोडे में लोगे ये बर्फ में। यही ऐसी हालत हो जाएगी। एग्जैक्टली यही हालत होगी हमारी भी। सक्सेना जी, मैं भी आपकी पार्टी में नहीं आने वाला हूँ। जाने तो जहान है। खैर कोई बात नहीं, जिसको आना है आ सकता है, जिसको नहीं आना है मत आओ। मैं अपनी पार्टी काले कुत्ते और काली बिल्लियों के साथ सेलिब्रेट कर लूंगा। सक्सेना जी, जे काले कुत्ते, मतलब काले कुत्ते और काली बिल्लियां ही क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का ड्रेस कोड ब्लैक है। आई लाइक इट। बेबी, कब्रिस्तान में तुम्हें कौन मिलेगा? चुड़ैल, भूतनिया? और मुझे डर है कि तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि कहीं कोई भूती तुम पर फायदा हो गई तो मेरा पत्ता तो कट हो जाएगा ना। Come on, baby. मैं भूतनी चुड़ैल प्रूफ हूँ यार। और दूसरी बात है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। How can you say that? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी उंगली के इशारे में नाचता हूँ। तुम जिस तरफ उंगली करती हो मैं उस जाने चला जाता हूँ। What else you want? Really?
तो ये लो, मैंने अपनी उंगली अपनी तरफ कर दी, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, सीधा मेरे जाने पाओगे। देखो आज उंगली मत करो, बिकॉज़ सचिन जी ने बड़े प्यार से बड़ा इसरार करके बुलाया मुझे। कोई प्यार से इसरार करके नहीं बुलाया है, वहां पे जो इतनी सारी विदेशी शराबें होंगी ना, तुम उस पर हाथ साफ करने जा रहे हो। अनु देखो यार मेरी बात सुनो। नहीं तुम मेरी बात सुनो, You're just looking dapper. और वहां अगर सच में कोई चुड़ैल तुमसे चिमट गई ना, तो पूजा पाठ के चक्कर तो मुझे लगाने पड़ेंगे ना। ऑलरेडी एक चुड़ैल लिपटिमटी हुई है ना। क्या बेबी, कोई चुड़ैल नहीं चिमटेगी यार। देखो मैं जा रहा हूँ, बस यूं गया और यूं आया, तुम जरा मूड बना के रखना। अरे सुनो ना, तुम कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम इतने हैंडसम लग रहे हो, एक रोमांटिक सॉन्ग का कुछ अंतरा और मुखड़ा गा के जाओ ना प्लीज। मैं आके पूरी एल्बम सुनाऊंगा तुम्हें रोमांटिक गाने की, बस मुझे इस वक्त जाने दो। राइट अंगूरी हम जा रहे हैं पगली। हाय दिया, क्या बात है लड्डू के भैया, आप तो बहुत ही हैंड ग्रेनेड लग रहे हैं। अरे हैंड ग्रेनेड नहीं पगली, अब क्या यही पड़वाओगी, वो हैंडसम होता है हैंडसम। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सच, लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं कोनो चुड़ैल आपसे चिपट गई तो। अरे तुम चिंता काय कर रही हो पगली, कोई भी चुड़ैल हमारा दिल नहीं जीत सकती, क्योंकि हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं। क्या हुआ? आप तो इत्र भी लगाए हैं, आपको पता है इत्र का खुशबू से भुतरिया चिपट जाता है। अरे हमसे ना चिपट पाएगी। नहीं नहीं लड्डू के भैया, भूतों और चुड़ैलों को ना इत्र और सेंट बहुत अच्छा लगता है। देखो पगली, ऐसा है कि अगर तुम चाहती हो कि हम अपने कपड़े बदल ले, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कब्रिस्तान में पार्टी का ड्रेस कोड काला सूट है। हाँ ठीक बा, तो अम्मा जी एक उपाय बताई थी, वो हम कर देते हैं, कोनो भी भुतरिया आपके आस पास फटकेगा भी नहीं। ठीक है, आपके चप्पल से मारोगी? का करे, मारना ही पड़ेगा, एक ठो मिनट। अभी उपाय पूरा होएगा बा, अब कोनो भी चुड़ैल भुतरिया आपके आसपास फटकेगा भी नहीं। जिसने भी उल जलूल उपाय बनाना, बहुत बड़ी चिरांद होगा कमबख्त। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।